दोस्तों जानी सार ड्रामा बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है, क्योंकि जब उसे पता लगता है नुशेरवा को कि वो कुछ मसले में है और वो उसे लेने जाता है, तो मतलब कि वो अपने गार्ड को जब भेजता है तो उसके गार्ड को पता लगता है कि वो जो है दुआ वो किसी मसले में किसी फंस चुकी है, और वो जो होते हैं ना दुआ वहाँ पर उसे घर नहीं है, उसका अबू जाने देता। जब दुआ को छोड़ देते दुआ अपने घर आती है तो उसका अबू उसे अंदर ही नहीं आने देता, पूरे मोहल्ले वाले वहाँ पर इकट्ठे हुए तो उसकी माँ उसे रोकती है, वो कहती है कि उसे अंदर तो आने दे, एक बार उसकी बात तो उसकी सुन ले, लेकिन उसका बाप इतना गंदा वो मतलब उसे अंदर आने नहीं दे रहा, वो कहता नहीं कहता इसने अंदर नहीं आना। और वहाँ पे उधर हो सकता है कि नुशेरवा की भी एंट्री दिखाई जाए, वहाँ पे वो नुशेरवा आए और आके इसे दुआ को अपने घर ले जाए, क्योंकि हो सकता है ऐसे। तो मतलब कि ड्रामा बहुत ही ज़्यादा आगे आने वाले एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होते जा रहे हैं, तो आप इसका कोई भी एपिसोड मिस मत करना। तो बाकी उसके अलावा इसकी बहन को भी इसकी माँ ये कहती है कि तुम लोग तो सारे शादी में शोर मचाए होते, दुआ की तबीयत खराब, तबीयत खराब, कोई तबीयत खराब नहीं, वो जेल से पकड़ी गई है। उसका बाप आगे उसका शोर आया, कहते कहते क्या हो गया, कहते आप ऐसे ही कर रही हो, तो वो कहते कि तुम्हें नहीं पता वो तुम चुप कर, जो वो ऐसा ही हुआ है। तो दूसरी तरफ फराज कहता है दुआ वो क्योंकि दुआ को उसने धोखा दिया होता है, तो वो कहता दुआ तो लेकिन अपने माँ बाप के सामने वो चुप कर, शायद वो बातों बातों में बता भी सकता है लेकिन ज़्यादा नहीं बताएगा, क्योंकि उसे पता है ऐसे मेरी शादी भी टूट जानी है और सारा मेरे पे मेरे माँ बाप भी मुझे माफ़ नहीं करेंगे। तो बस दोस्तों ये जान सार के आने वाले एपिसोड का प्रोमो टीजर व्यू, अब कैसा लगा अपनी राय मुझे जरूर कमेंट में दीजिएगा। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।